please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए फिर एक साथ मौजूद। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाऊं सिर्फ मेहमान का एक बार तारुफ मैं फिर से कराना चाहूंगा जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश शर्मा जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ देर बाद आए, ट्रैफिक में फंसे हुए थे। शुक्रिया राजेश जी। राधिका खेड़ा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, आपके साथ शो में पहले भी अभी बोल रही हैं और शरीक होती रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ललित अंबरदार सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, प्रदीप भंडारी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ प्रमोद पावा पूर्व राजनयिक हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाऊं लेकिन इधर एक शख्स कोई जी। हाँ मैडम, कहाँ से आप? सर पिथौरागढ़, उत्तराखंड से। पिथौरागढ़ से सर, क्या बोलना चाहते हैं बताइए। सर ये पाकिस्तान हमेशा पक्षपात, ये हमसे आर्थिक सहायता लेने के लिए कुछ ना कुछ फायदा देखने के लिए हमसे दोस्ती करना चाहता है। कुछ अपना फायदा देखना चाहता है। फायदा क्या? कश्मीर, कश्मीर के उसके ऊपर उसकी दृष्टि खराब। बॉलीवुड से लेके हर चीज में अपना फायदा देखना चाहता है, इसलिए वो दोस्ती करना चाहता है। जी। मैं समझ गया, कोई बात नहीं बेटा, खड़े रहो। जी। सिद्धू जी अपनी शायरियों के लिए जाने जाते हैं, मैं चार पंक्तियां केवल उनके लिए कहना चाहता हूँ। सिद्धू जी के लिए कहना चाहते हैं? क्या नाम है साहब आपका? विक्रांत सिंह। विक्रांत जी कहाँ के रहने वाले? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद के। जी। शुरू करिए। सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बच्चियों की चोटियां चली गई, ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं, सारे ही जिस्म की बोटियां चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। सिद्धू सिद्धू साहब जब गले मिल रहे थे बाजवा से तो उस समय 125 करोड़ देशवासी और उन जवानों के परिवार वाले जिन्होंने शहादतें दी हैं, ऐसा लग रहा था कि उनको मुंह चिढ़ा रहे हैं और उनके जो निर्दयता है, जो निर्ममता है पाकिस्तानी आर्मी की, उसको सही ठहरा रहे थे। अभी जो ब्रेकिंग खबर आ रही है उसमें शोपियां में जो मुझे अभी बताया कुछ देर पहले की जो पुलवामा में जो SPO घायल था उसकी मौत हो गई। हम सारे लोग यहाँ पर जितने मौजूद हैं भैया जी कहीं में श्रद्धा सुमन देते हैं। सवाल ये कि ईद के मौके पर ये आखिर हुआ तो क्यों हुआ? आखिर वो लोग कौन हैं जो दुश्मन हैं? सवाल ये है सबसे बड़ा। जी जनाब। सर हमारी जो भारत सरकार है उसने हर बार पाकिस्तान को पूरा टाइम दिया है, चाहे इंदिरा जी का टाइम हो या राजीव गांधी जी का या आदरणीय वाजपेयी जी का, चाहे इंदिरा जी का समय हो चाहे राजीव गांधी का, लेकिन इन्होंने ना हर बार हमारी पीठ में चाकू घुपाया, चाहे वो पठानकोट हो चाहे वो कारगिल हो। अभी भी अब क्या होना चाहिए? अभी क्योंकि नया प्राइम मिनिस्टर आया है, हमें वो एक चांस देना चाहिए पाकिस्तान का। हाँ, एक चांस जरूर उसका, ताकि ये पता तो लगे कि उसकी औकात क्या है। हमने तो हर बार उनको चांस दिया है, एक बार वो पाकिस्तान के नए बने प्राइम मिनिस्टर को एक चांस देना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। आज अभी आपने बोला कि हमारे आर्मी वहाँ अभी शहीद हुए हैं, ये गले मिलने का नतीजा है। पाकिस्तान डूब रहा है, सिर्फ इमरान खान चेहरा है। पावा जी मुझे बताइए, पावा जी मैं आपका शर्म में आ रहा हूँ आपके पास। ललित जी सवाल ये है कि क्यों चांस दें? बार बार धोखा खाते हैं हम, बार बार धोखा खाते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि अमन के सिपाही ही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि बार बार धोखा खाने के बाद चांस क्यों दें? क्यों दें? आपने अभी एक बात कही कि वो आतंकवाद करते हैं, वो आतंकवाद करने वाले कौन हैं? क्यों ना इसे और आगे बढ़ा के ये पूछा जाए कि वो आतंकवाद क्यों करते हैं? अगर वो कश्मीर हमसे मांगते हैं तो हम अपना ही कश्मीर हम उनसे वापस क्यों नहीं मांग रहे? हम अपना ही लाहौर उनसे वापस क्यों नहीं मांग रहे? हम अपना ही लायलपुर, हम अपना ही गुजरांवाला, हम अपना ही हाफिजाबाद, हम अपना ही इस्लामाबाद उनसे वापस क्यों नहीं लेते? सवाल तो यह है कि हम वापस लेने की बात तो दूर है, सवाल यह है कि जो घटनाएं हो रही हैं वो बहुत 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 दुखदायी हैं। जी मैं आ रहा सर राजेश जी। देखिए बार बार हम 47 से लेकर अभी तक पिटते गए, बंटवारा हुआ, नेहरू जी ने लियाकत अली खान के साथ एक पैक किया था, लियाकत नेहरू पैक, उसके अंतर्गत यह था कि आपके यहाँ जितने भी माइनॉरिटीज हैं आप उनकी सुरक्षा करेंगे, हमारे यहाँ पे जो माइनॉरिटीज हैं उनकी सुरक्षा। मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं जानता नेहरू जी ने क्या समझ के ये बोला कि हमारे यहाँ माइनॉरिटीज जो हैं, जो रह गए, जो हिंदुस्तान की हिंदुस्तान का खून है, उनके लिए मुझे किसी पाकिस्तानी को गारंटी देनी पड़ेगी, वो गलत था। लेकिन हमारे यहाँ तो माइनॉरिटी फल फूल रही है, पाकिस्तान के अंदर 20% हिंदू और सिख थे 47 को। नहीं गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, गलत है। एक एक
ऐसा ऐसा है, एक मिनट एक मिनट, होल्ड ऑन। देखिए ये सबसे बड़ी अफसोसजनक बात है कि हम लोग भावनात्मक भावनाओं में आकर और तथ्य पूरी बात सुने, अरे आप मेरी बात सुने ना सर, सिर्फ भावनाओं में आकर दाएं बाएं की बातें करती हैं। 1947 में जिस दिन पार्टीशन हुआ उस दिन पश्चिमी पाकिस्तान में 1.71% हिंदू थे, जो आज 1.82% हिंदू हैं। हम क्या करते हैं, अरे हम क्या करते हैं, हम बांग्लादेश 20% हिंदू और सिख ईस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान में रह गए थे, 2% रह गए अभी। आप जानना चाहिए आपको, एक सरदार एक सिख 70 साल में एक सिख पाकिस्तान पुलिस का ऑफिसर बना था, एक महीना पहले ऐसा। अच्छा दूसरी बात बताऊं, दूसरी बात बताऊं, मैं आपको जब पार्टीशन हुआ था तो वहाँ पर सिखों की संपत्ति इतनी कम थी पॉपुलेशन कि हमने यहाँ से हमें सिख भेजकर वहाँ के गुरुद्वारों की देखरेख करानी पड़ती थी। 1972 में कहाँ गए वो सिख, वहाँ 25 हिंदू, अरे जाके देखे हमसे मिलते हैं, कहते हैं तुम लोग कमीने हो, हम लोग को छोड़ दिए। क्या पूछ के, क्या आपने उनसे पूछ के वहाँ पे पार्टीशन किया था, जो फिर क्यों आप उनकी वकालत करते हैं? हमने हिंदू और सिखों से नहीं पूछा। देखिए आप झूठ मत बोलें, आप तथ्यों पर बात करें, आप तथ्यों पर बात करें, भावनात्मक बात मत करें। जो सवाल ये है, सवाल मैं आपको ललित 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 30 साल पहले अपने ही मुल्क के अंदर कश्मीर के अंदर पूरी हिंदू कौम घर से बेघर हो गई, क्या आप लोगों ने उसके बारे में कोई भी एक्सप्रेशन दिया? पूरा जिनोसाइड हिंदू का हुआ, 30 साल से अपने मुल्क के अंदर रिफ्यूजी बन के बैठे हुए, किसी ने सोचा? कितना छुपाओगे आप? 4 साल में एक भी आदमी गया, 4 साल में एक भी ब्राह्मण गया, आप घूम फिर के फिर भावनाओं में आ जाते हो। उनके कातिल, उनके रेप, सवाल ललित 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 ललित, फिर वो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, नहीं बाबा जी, ये नहीं होगा बिल्कुल। दूसरा पॉइंट, जो पाकिस्तान में हिंदू हैं वो पाकिस्तानी हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ, मैं एहतराम करता हूँ, वो अगर वो सिख है पाकिस्तान में, मैं उनका एहतराम करता हूँ, वो वहाँ पाकिस्तान के हैं, बहुत अच्छे, नहीं बहुत अच्छे से हैं हमारे मुसलमान, नहीं बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी बात। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि एक शख्स ने बोला कि इमरान खान को चांस देना चाहिए, ये वही इमरान खान है जो कहते हैं कि ये वही इमरान खान है जो कहते हैं कि हिंदुस्तान की आर्मी कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी करती है। एक मिनट, चुप रहो, मैं तुम्हें लाहौर भेजूंगा, चुप रहो, एक मिनट चुप रहो जी। हाँ, मैं पहले कहना चाह रहा हूँ, इमरान खान से बातचीत नहीं करनी चाहिए, ये वही इमरान खान है जो कहते हैं कि हिंदुस्तान की आर्मी कश्मीर में दहशतगर्दी करती है, ये वही इमरान खान है जो कहते हैं कि UNSC में मैं चले जाऊंगा कश्मीर की आजादी के लिए। आप समझिए, इमरान खान एक मुखौटा है, पाकिस्तान की आर्मी जो है हमेशा चाहेगी टेररिज्म चले। लेकिन प्रदीप, बात तो किसी से करोगे, हमने किससे करोगे, चुनी हुई सरकार से तो करोगे सर, टेरर तो स्टॉप हो, हमने जब टेरर स्टॉप हो जाएगा मैं बातचीत करूंगा, जब दहशतगर्दी स्टॉप हो जाएगी मैं बातचीत करूंगा, जब स्टोन बेल्टिंग स्टॉप हो जाएगी मैं बातचीत करूंगा। मैं तो अमन चाहता ही हूँ, हमने बस ले गए, कारगिल मिला हमें, अमरनाथ मिला हमें, हमेशा से टेरर ही मिला है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी के सर्वाइवल के लिए टेररिज्म जरूरी है। प्रतीक जी, आप ये बताइए स्टोन पेल्टिंग कैसे खत्म होगी, जब अंद्राबी को आप बेटी बचाओ का अंबेसडर बनाएंगे, स्टोन पेल्टिंग कैसे खत्म होगी जब प्रधानमंत्री उसी मंच पे बैठेंगे जिस बाप बेटी की सरकार को गाली देते थे, उसके साथ सरकार बना के जब वो धन्यवाद करेंगे पाकिस्तान को कि उन्होंने जहाँ पे चुनाव शांति से होने दिए, तब कैसे स्टोन पेल्टिंग रखेगी, क्योंकि ये सरकार की ना नीयत है ना नीति है। आज मैं उम्मीद करता हूँ आज आप राजनीति नहीं कर रही है, ये देश की सच्चाई है जिसकी आज बात खुली हो जाए, कांग्रेस का ये राग जो है खुल जाना चाहिए। जब पीडी सुनिए जब PDP की सरकार कांग्रेस का साथ मिलकर सरकार कश्मीर में बनी थी, जानते हैं आप, गुलाम नबी आजाद चीफ मिनिस्टर थे कश्मीर के, वहां पे जो कश्मीरी हिंदुओं का बुचर कसाई माना जाता है बिटा कराटे, उसको रिहा कर दिया गया और उसको उसके मोहल्ले में पूरे रीति रिवाज के साथ उसका किस तरह के बुरान बुरानी के लिए इन्होंने उसकी फैमिली को कॉम्पेंसेशन दिया। अंद्राबी जो ISI के झंडे फहराती है, पाकिस्तान के झंडे फहराती है, वो बेटी बचाओ की अंबेसडर है, लेकिन इससे मुर्दा खत्म नहीं होगा, इससे स्टोन पेंटिंग खत्म नहीं।
देखिए सबसे पहले मैं यहाँ की जनता से एक चीज पूछता हूँ, पहले इंडिया के अंदर में हर जगह पाकिस्तान और कश्मीर के टेररिस्ट आकर के बम फोड़ते थे, दिल्ली में, पटना में, बेंगलोर में, अब चार साल में होता है नहीं होता। अब मैं परसों जम्मू गया था, जम्मू में लोग कह रहे हैं अब कश्मीर में सिर्फ 3 जिले में टेररिज्म सिमट के रह गया है, जम्मू तक भी टेररिस्ट नहीं आते हैं। और ये उसको अगर रोका है तो इस सरकार ने रोका है, इस सरकार की स्ट्रांग नीति ने रोका है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी एक ऐसा लीडर है जिससे पाकिस्तान की जनता, वहाँ की आर्मी थर थर कांपती है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उनकी हिम्मत खत्म हो गई है और ये आज यहाँ की जनता मानती है और हर कोई मानेगा, आप भी मानोगे कि पूरी इंडिया में जो टेररिज्म फैला रखा था वो बंद हो गया है और अब आगे ये 3 जिलों में भी सवाल होगा। सवाल ये है कि फौजी हमारे मर, सुनिए मैं बार बार जब भी मौका, एक मिनट, प्लीज जी, जब भी मौका मिलता है कश्मीर और पाकिस्तान पे बोलने का, मैं सब राजनीतिकों से गुजारिश करता हूँ कृपया कश्मीर और पाकिस्तान को राजनीति से ऊपर रखिए। आपने मोदी जी का जिक्र किया, देखिए 2014 में जब मोदी जी आए थे पूरे भारत ने उनके ऊपर विश्वास रखा था, लेकिन मैं अभी आपके आने से पहले कह रहा था वाजपेयी जी से ज्यादा कश्मीर और पाकिस्तान को कोई नहीं समझ सकता। सबसे बड़ा जो एक पीस मिशन था जो वो लाहौर लेके गए, क्या मिला उनको? कुछ नहीं मिला। लेकिन बार बार बताना चाहता हूं, मुसीबत ये है जो भी दिल्ली के तख्त पे बैठ जाता है सब जवाहरलाल नेहरू बन जाते हैं, सब कांग्रेस पार्टी की तरह हो जाते हैं। क्या क्या जवाहरलाल नेहरू नहीं बने, पूरा जीवन भी चला जाएगा। जो अंग्रेजों को माफीनामे की चिट्ठियां लिखते थे जेल से, वो नेहरू जी नहीं बन सकते। देश के पहले प्रधानमंत्री की पहले आप लोग, ये मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगी, वो देश के पहले प्रधानमंत्री और इसी जनता ने उनको चुना था। प्रतीक जी, सच्चाई ये है, अगर आपके लच्छेदार भाषण, मोदी जी के लच्छेदार भाषण और ये चिल्लाना, ये सच्चाई ये भी है कि आज हमारे जो सैनिक है वो कई गुना बढ़ रहे हैं, कई गुना सैनिक बढ़ रहे हैं। देखो भाई, अगर नारे लगाओगे तो मैं 2 मिनट में प्रोग्राम बंद कर देता हूँ। मैं कहता हूँ आज अभी बस इतना बोलूं, प्लीज ये भ्रम जो है कि आतंकवाद खत्म हो गया, नहीं हुआ, रोज कश्मीर में लोग मर रहे हैं। सुनिए मेरी बात, प्लीज कम टू ब्रास टैक्स, सुनिए भगवान न, अरे सर सुनिए, भगवान न करते थे, सुनिए, आज वो रुक गए हैं। बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए राजेश सर, भगवान न करे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, दुनिया में सबसे खतरनाक जो एक स्पिनाज ऑर्गेनाइजेशन है वो ISI है। ISI अगर चाहे, भगवान न करे, यहाँ भी धमाका कर सकती है, आपके कोई भी नहीं रोक सकता, और कोई भी दुनिया में कोई भी था, अमेरिका 9/11 नहीं रोक पाया, आप क्या क्लेम करते हो? सुनिए, लेकिन ये बात जरूरी है, हिंदुस्तान की होप नरेंद्र मोदी है। 1.5 साल जो भी वक्त बचा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान को वो दिखा देंगे जो हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि कश्मीर में क्या होप करते हैं आप, ये मुझे होप करता हूँ कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, कश्मीर के ऊपर किसी भी बाहरी ताकत से बात नहीं होगी। आपने जफियां डालनी है डाल दीजिए, मेरे कश्मीर के ऊपर बात नहीं होगी। नंबर टू, आतंकवाद, जिहादी आतंकवाद विश्व भर में एक मिलिट्री प्रॉब्लम की तरह ट्रीट की जाती है, कश्मीर में वहां पे बातचीत क्यों वहां पे हमको निभना चाहिए? तीसरी बात, जब आप कश्मीर में किसी भी राजनीतिक पार्टी से गठजोड़ करते हैं, चाहे कांग्रेस करती है, बीजेपी करती है, प्लीज याद रखिए, वो आप लोगों को चूसते हैं। बीजेपी को जम्मू के अंदर, लद्दाख के अंदर पहली बार इतना बड़ा बहुमत मिला था, जम्मू कश्मीर में एक राजनीतिक चेहरा मिला था, क्या किया? श्रीनगर में जाके सरेंडर कर दिया। क्यों? मुफ्ती साहब ने आपको सरेंडर करने के बाद में उस सरकार को लात मार दिया, क्योंकि हम कभी भी सत्ता के पीछे नहीं भागते, हमारे लिए देश पहले है, हमारे लिए कश्मीर पहले है, हम कभी भी टेररिज्म से समझौता नहीं कर सकते। जम्मू की जनता ये मानती है कि जम्मू में हमने खत्म किया जिस तरह बाकी देश में खत्म किया, उसी तरह कश्मीर में भी हम खत्म करके रहेंगे। सुनिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बहुत बड़ा स्टेट है, जम्मू कश्मीर से कई गुना बड़ा है, लद्दाख जम्मू कश्मीर दोनों को मिला के उससे कहीं बड़ा है। जम्मू में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रहते हैं, लद्दाख में
बहुत ज्यादा रहते हैं, मुसलमान रहते हैं कश्मीर के अंदर। 90 के बाद जब हिंदुओं का वहां पे जिनोसाइड हुआ, वहां पे सिर्फ मुसलमान रहते हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख में सेपरेटिज्म, कश्मीर जात की आवाज शुरू से सिर्फ कश्मीर में सीमित रही है। जम्मू के अंदर तिरंगा यानी बात तो प्रधानमंत्री ने बात तो कश्मीरियत की करी ना। कौन सी कश्मीरियत? मैं जो जिसमें श्रीनगर की जो आप बात कर रहे हैं उस कश्मीरियत की, कश्मीरियत की तो ये बात करने लायक बचे नहीं है, क्योंकि इन्होंने ही जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा दिया है। चुनाव के वक्त जिनको गाली देते थे बाप बेटी की सरकार, उनके साथ सरकार बना के। और मैं इनको याद दिला दूं कि वो सैनिक भी इस देश का हिस्सा है जो रोज मंडल आपकी सरकार आने के बाद कई गुना बने, जब से आप लोगों ने ISI को अपना ही प्रधान गोट का बेस दिखाने के लिए बुलाया। आपने शर्मुल शेख में हिंदुस्तान को शर्म दिलाई, क्या बात करते हो? शिमला में शर्म लाई आपने। इतना जोश दिखाते जब ISI को हाथ जोड़ के ये सरकार यहाँ बुला रही थी अपना आर्मी बेस दिखाने के लिए। शर्म आनी चाहिए सरकार को कि अपना आर्मी बेस ISI को चलाओगे। कश्मीर आपकी बदौलत हिंदुस्तान जल रहा है, कश्मीर आपकी बदौलत जुड़ रहा है। आप भी झूठ बोले। जनता का मुझे मालूम है, तुम बहुत देर से करो क्या जी, जहाँ पे एक काम करो, मैं तुम्हें पानी दूंगा, तुम सवाल पूछ रहा वक्त छोड़ेगा, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है, मुद्दे के साथ फिर मैं हाजिर। और आज का जो सवाल था वो ये था कि पाकिस्तान का कश्मीर में आतंकवाद को आतंकवाद माने बगैर नए प्रधानमंत्री इमरान खान की बातचीत की पहल का भारत को क्या स्वीकार करनी चाहिए, बातचीत स्वीकार करनी चाहिए या नहीं। जी ऑफकोर्स आपकी राय सर माथे पे हमारी, लेकिन सवाल यही था आज का और इसी मुद्दे पर हम बातचीत की पहल कर रहे थे। जी दो लोग हैं, मैं आ जाऊंगा ऑफकोर्स बेटा, मैं आ जाऊंगा। जी मैं सिद्धू वाले मामले में एक बात कहना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? कुलदीप रावत सर। कुलदीप रावत कहाँ के रहने वाले हैं आप? देहरादून का। देहरादून का जी, बारिश वारिश हो रही है बहुत ज्यादा हो रही है जी। अच्छा, तो भैया जी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, सिद्धू किस हिसाब से पाकिस्तान गए थे? इमरान खान ने उनको बुलाया लेकिन इमरान खान ने उनके साथ देखा भी नहीं। नहीं भाई ऐसे नहीं कहा, कहाँ देखा? इमरान खान देखा नहीं उनकी तरफ? जब माल में आए तभी नहीं देखा। नहीं पाकिस्तान उनको, उन्होंने जाके ना सबसे बड़ी, जी सर मुझे नहीं लगता कि उनको पाकिस्तान जाना चाहिए था, क्योंकि अगर वो गए हैं तो इससे हमारे देश के लिए सही नहीं है। और उन्होंने बुलाया हम जानते, पर उन्होंने आतंकवाद को लेकर इस मुद्दे पर कोई भी वहाँ पे, आपको लगता है बातचीत की पहल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए जो प्रधानमंत्री ने वहाँ के कहा है पाकिस्तान की? सर बातचीत की पहल तो होनी चाहिए। आपको लगता है कि ये तो मुझे लगता है हाँ बातचीत से हल होगा, पर आतंकवाद रुकने के बाद बातचीत होनी चाहिए। सर बातचीत होनी चाहिए, कश्मीर में नहीं, पीओके के ऊपर होनी चाहिए। जी ने किया था और कारगिल का युद्ध हुआ था कि हम कारगिल युद्ध चाहते हैं बातचीत करके। सर ऐसा क्या जी को क्यों जाना चाहिए था वहाँ? हर चीज बातचीत से सुलझाई जा सकती है, हर मैटर सॉर्ट हो सकता है। हमारे जवानों का मनोबल बढ़ जा रहा है, ऐसा करके क्यों किया जाए? ऐसा सीधा आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, हमें कश्मीर को अपने नहीं होगी तो हम उस मुद्दे को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? बातचीत नहीं होगी, बातचीत होनी चाहिए सर, पर उसमें आतंकवाद का मुद्दा पहले उठाना चाहिए। एक कहावत कही गई है लातों के देवता बातों से नहीं मानते हैं, है ना? तो ऐसे ही पाकिस्तान है, वो लात से ही माने की बात से मानने वाली है नहीं, तो बात का कोई मतलब ही नहीं बनता कि हम कश्मीर, हमारा एक मुल्क को गाली देने से क्या फायदा होता है? हमारा कश्मीर में, हम कश्मीर पे क्यों बात करें पाकिस्तान से? हम क्यों बात करें? पीओके पे बात करो ना, पीओके पे बात करो। बाकी मैं एक चीज उठाना चाहिए सर, वो आतंकवाद को। देखिए एक बेसिक चीज है, सिद्धू जी को किसने हक दिया था वहाँ कुछ कहने का? अगर कोई फॉरेन पॉलिसी है तो प्राइम मिनिस्टर करेगा, अगर कुछ है तो फॉरेन मिनिस्टर करेगा। और कांग्रेस आज बात करती है जिनके सोच कहते हैं कि आजादी चाहिए, जिनके गुलाम नबी आजाद जैसे बड़े नेता कहते हैं कि आज आप कश्मीर के अंदर आम जनता को मार रहे हो, ये वहाँ की आर्मी पे उंगली उठाते हैं कि आम जनता को ज्यादा मारती है। आर्मी के ऊपर उंगली उठाने वाला इस देश में कभी भी राज नहीं कर सकता, ये देश की जनता कभी भी राज नहीं। राजेश जी राजनीति मत करिए, राजनीति मत करिए, बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत सेंसिटिव इशू है।
को मैं बता दूं कि परमिशन सिद्धू जी को वहां जाने के लिए इस देश की सरकार ने ही दी और सुषमा स्वराज जी ने खुद बकायदा फोन करके उनको कहा कि आप जाइए। दूसरी बात, जब मैं बार बार कहती हूं कि भाजपा सरकार को पेंडुलम की तरह अपनी नीतियों को बदलना बंद करना पड़ेगा, एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, वहीं पे एनएसए जाते हैं बैंकॉक और अपने काउंटर पार्ट पाकिस्तान से मिलके आते हैं, तो आप पहले ये बताइए, एक तरफ कहते हैं हम बातचीत नहीं करेंगे, फिर साड़ी शॉल लेके पहुंच जाते और प्लेन को फटाक से उतार देते हैं पाकिस्तान में, तो ये पेंडुलम की तरह झूलना मिलना बंद करिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस बहस को हम भाजपा वर्सेज कांग्रेस में सीमित ना करें, ये बहस कश्मीर की है, हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान के सोल्जर की है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप स्थिति देखिए कि फारूक अब्दुल्ला साहब भारत माता की जय दिल्ली में बोलते हैं, प्रोटेस्ट होता है श्रीनगर के अंदर, तो कहीं ना कहीं आईएसआई और पाकिस्तान ने हमारे श्रीनगर के अंदर अपने ऐसे घुसबैठिए बैठा के रखे हैं जो चाहते ही नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो। और एक और चीज मैं ये कह रहा हूँ, आपने बोला बातचीत, देखिए बातचीत तभी होगी प्रतीक जी, बातचीत तभी होगी जब आपके टेरर खत्म होगा। उन्होंने अगर पठानकोट किया तो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक से जवाब दिया, तो अगर वो ये कांग्रेस वर्सेज बीजेपी नहीं है, ये मुल्क का सवाल है, ये मुल्क का सवाल है। बट छोड़े से ब्रेक का ब्रेक। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। और जो आज का मुद्दा था, बातचीत का वक्त है या नहीं, एक दो लोग सवाल करना चाहते हैं जनता की तरफ से। अब क्वेश्चन है सर, क्या मुद्दा है सर? पाकिस्तान, पाकिस्तान पे बातचीत का माहौल, पाकिस्तान के साथ ऐसा है कि बातचीत हो या गोली से हो या बातचीत हो, पहली बात आती है गोली की, गोली से हो, गोली हमारी मिलिट्री तब चलाएगी जब उसको के फ्रीडम होगी गोली चलाने की, वो हमारे नेता देते नहीं है। ठीक है सर, मेन थिंग इज प्रॉब्लम इज दिस, इज आई एम नॉट बीन लिविंग हियर, आई एम लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट, इज द प्रॉब्लम। यू आर फ्रॉम यूएसए? यस यस सर। व्हाट व्हाट्स योर ओपिनियन? माय ओपिनियन इज दिस, इज वी शुड सिट डाउन एंड टॉक व्हिचएवर वे इट इज, बिकॉज इट इज द माइंड फिनोमेना, बिकॉज वी आर डिसेक्टिंग एवरीथिंग, दे आर ट्राइंग टू फाइट, यू आर ट्राइंग टू फाइट, नो, वी शुड सिट एज अ ह्यूमन बीइंग्स, बिकॉज द बॉडी इज ऑल वन, बिकॉज द माइंड इज द माइंड फिनोमेना, वी हैव टू सिट टुगेदर एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, वी हैव टू सिट। ऑफ कोर्स सर, व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज डॉक्टर बेदी, यू कैन गो बाय डॉक्टर बेदी। डॉक्टर बेदी इज फ्रॉम यूएसए, ही इज सेइंग दैट वी हैव टू सिट टुगेदर एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, बिकॉज द प्रॉब्लम, बिकॉज द प्रॉब्लम वी कैन सॉल्व इट बाय द कम्युनिकेशन। नो सर, my advice to Americans is please find your common language with the Iranians first, right? Let's not let Americans not teach us how to live with Pakistani. They are our enemies. Let's take care of them. Number one. Number two, कश्मीर हमारा आंतरिक इशू है, मिलिट्री प्रॉब्लम है, जहां तक जहाद को रोकने का सवाल है। दूसरा, राजनीति, राजनीति यह है कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर राज्य का पूर्ण गठन होना चाहिए, जम्मू अलग राज्य बनना चाहिए, लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी, और कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदुओं के लिए पनून कश्मीर यूनियन टेरिटरी बननी चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों से इस माध्यम के द्वारा अपील करना चाहता हूं कि मोदी के ऊपर और बाकी सारी राजनीतिक पार्टियों के ऊपर प्रेशर डालिए, 370 और 35 से हटा दीजिए। सर, अमेरिकन लॉबी कहती है बातचीत होनी चाहिए, वो कह रहे हैं हिज़ अमेरिका, हिज़ अमेरिका टू माय वेबसाइट कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड, बिकॉज़ वी हैव टू गो वर्क लाइक अ ह्यूमन बीइंग। ऑफ कोर्स अमेरिका कहती है। डिड यू नेगोशिएट विद, डू यू, आर यू रेडी टू नेगोशिएट विद हाफिज सईद? आर यू रेडी टू नेगोशिएट विद अलकायदा? आर यू रेडी टू नेगोशिएट विद आईएसआईएस? प्लीज, दिस इज द मेनेस वी हैव ऑन आवर बॉर्डर्स, लेट्स टेक केयर ऑफ देम, सपोर्ट अस। You have supported these snakes being your Bill, Mrs. Clinton, your Mrs. Clinton's head, your Mrs. Clinton's head, you are ailing snakes, you are ailing snakes. When we had taken the advice of America, we had taken Kashmir to United Nations, and you know what has happened without it. You don't need America, you need India, and India can solve it and on its own. Right, Radhika, मैं बार बार एक बोलती हूँ, इस सरकार को अपनी नीति और नियत साफ करनी पड़ेगी और देश को गुमराह करना बंद करना पड़ेगा। देश को गुमराह करना बंद करना पड़ेगा तो देश को गुमराह ना करें। इनके नेता अय्यर साहब कहते हैं मुझे पाकिस्तान में ज्यादा प्यार मिलता है भारत से ज्यादा। उनके क्या भारत की जनता, क्या भारत की जनता उनके जनरल को, गले लगने वाले सिद्धू को माफ करेगी? आज अभी बस्तर में, तय कल फिर मुलाकात होगी।